नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम पर परिवार में। मैं अभी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं सभी को, इस्तकबाल सभी को नमस्कार, राधे राधे, राम राम। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। एक बार तेजी के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए तो हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो भैया स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। कैसेन है आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। प्रयागराज वाले बच्चे आ गए कि नहीं? अरे कुछ सभी बच्चे आ गए हैं ना। चलिए भैया, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले हम अपने दोस्तों को एक बात बता दें कि देखिए, परिवर्तन में स्पेशली एक बैच अलग किया गया है आप सभी के लिए, वो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए विशेष। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए क्या विशेष है कि जो पुराने बच्चे हमारे हैं वो मात्र 599 रुपए दे दें और नए बच्चे 899 दे करके इस परिवर्तन में ज्वाइन हो सकते हैं। कतई खूबसूरत बैच है, इस अवसर का लाभ उठाइए और तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। समझ पा रहे हैं हमारी बात को ना? चलिए बहुत है बढ़िया, स्वागत है। एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए तो स्वागत करते हैं, सभी का स्वागत है। वेलकम भाई, नमस्कार, कैसे हैं? चलिए तो शुरुआत करें। प्रयागराज में नेट चल गया भाई आज से, कल रात से इंटरनेट बहाल हो गया, सेवाएं बहाल हो गई और रात में जब लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चलिए शुरुआत करते हैं, चलिए बढ़िया है। आप एक बार सभी लोग जल्दी से फटाफट एक बार शेयर करके सेशन को लाइक कर दीजिए और फटाफट तेजी के साथ सभी बच्चे शेयर कर देंगे सेशन को। सभी को फटाफट स्वागत है, सभी का भाई वेलकम है, आ जाइए। शुरुआत करें दोस्तों, चलिए शुरुआत कर दिया हमने। देखिए यहां पर कहता है भौंकने का काम करता है कौन? कुत्ता करता है। याद रखिएगा, कल वाला भी पेपर हमको डिस्कस करना है, जो कल वाला पूरा पेपर बचा था, कल वाला पेपर जो आपका था उसको भी डिस्कस करना है, इस बात को याद रखिएगा। भौंकने का काम कौन करता है? डॉग भौंकता है, कुत्ता भौंकता है। तो यहां पर देखिएगा, चिड़िया क्या करती है? चूचुहाने का काम करता है। चूचू करने का काम कौन करती है आपकी? चिड़िया करती है। अगला सवाल का उत्तर बताइए दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से बताओ, देखिए और बताने का प्रयास करिए। ज्यादा कुछ है नहीं, आराम से आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। और तेजी से उत्तर बताइएगा थोड़ा हल्का, तो सभी बच्चे एक बार तेजी से फुल स्पीड में उत्तर बताइएगा तो हल्के से। चलिए यहां पर क्या दिखता है आपको? वही दिखता है जो दिखना चाहिए। इस क्वेश्चन का उत्तर कितने बच्चे करेक्ट बता रहे हैं? उत्तर बताइए एक बार, कितने बच्चे करेक्ट बता रहे हैं? सभी बच्चे बताइए, बहुत बढ़िया, डी। अरे भैया ये बात को ऐसे समझिए ना, अब जब आपको कहें कि हमें प्यार हुआ है, क्या हुआ है? प्यार हुआ है। जब आपको प्यार हुआ है तो लव हुआ, तो यहां पर देखिए, क्या ये इसका अपोजिट नहीं होता है? क्या ये इसका अपोजिट नहीं होता है? उसी तरीके से देखिए, ये इसका अपोजिट है, जोकर के बगल क्वीन बैठी थी, इसको लव हुआ है, इसको क्या हुआ है? लव हुआ। यहां पर ईच एंड एवरी नंबर क्या है आपका? अपोजिट है। तो यहां पर क्या हो गया? धोनी विकेट कीपर, कल जिता लिया आदमी ने। यहां पर क्या हो जाएगा? टी से हो जाएगा जी टी रोड, और यहां पर क्या हो जाएगा? एक्स का क्या हो जाएगा? बिल्ली ने रास्ता काटा, और वी से क्या हो जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा? लव हो जाएगा। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला सवाल बताइए, क्या मैच हुआ था कल? आया है उत्तर, बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, 40 से बनाएंगे हम 100, बाबा लाएंगे क्रांति। तो बाबा कैसे लाएंगे क्रांति, वो आप देख रहे हैं, ठीक है ना? क्रांति कैसे लाएंगे आप, और आपकी आंखों के सामने भैया उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी भी इतना जोश में आकर के अगर बाबा जी निकाल देना तो कसम से बता रहे जीवन धन्य हो जाए, लेकिन वैकेंसी नहीं निकलेगी कुछ भी हो जाए। अरे साहब निकाल दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन हो जारी कर दीजिए, किसी सभा में बोल ही दीजिए कि वैकेंसी इतना पद लाने वाले हैं। अरे हम लोगों में भी, हम बच्चों में भी थोड़ा उत्साह आ जाए, जोश आ जाए। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि भैया निकाल दीजिए, बता दीजिए कब देंगे वैकेंसी, कुछ कम से कम एक आइडिया तो दे दीजिए, हम लोग भी बड़े भटके हुए हैं। 40 से 100 बनाएंगे, 40 से 100 कैसे बनाएंगे? 40 × 2.5, यहां पर कितना हो जाएगा? 40 को 2.5 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा? 100। अगर 56 को 2.5 से गुणा करें
56 को 25 से गुणा करें, 6 दुनी 12 का 2 हासिल है, 1 5 दुनी 10 1 11 112, और यहां पर देखिए 2 दुनी 4 2 8 16, यहां पर 10 और यहां पर 40 140, और 140 अच्छी बात है भी आपके पास, 140 अच्छी बात है भी, समझ रहे हैं ना, 140 अच्छी बात है भी ऑप्शन में। एक मिनट आप लोगों का कमेंट, बच्चों लाइव नहीं, मैं थोड़ा लाइव कर दूं। चलिए अब आप लाइव हो चुके हैं, यहां पर क्या कहता है बच्चों देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए। हाँ सही, ईमानदारी से बता रहे थे, ये ईमानदारी से बता रहे थे। यहां पर अगले क्वेश्चन की बताइए, यहां पर क्या कहता है, पुस्तक पेन पेंसिल और क्या बोलता है, मोमी रंग, पुस्तक पेन पेंसिल और मोमी रंग, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चों से गलत होता है, देखते हैं आप में से कितने बच्चे सही कर पाएंगे, बूढ़ा कर देंगे, अरे नहीं तुम्हारा भला करेंगे। हाँ जल्दी जल्दी और तेजी से बताइए क्या बात है, करेक्ट आंसर बताइए। देखिए इतना प्यारा सवाल है, इतना प्यारा सवाल है, अभी यहीं पे होता योगी जी कहते, उत्तर प्रदेश पुलिस पदोन्नति बोर्ड कहता कि ऐसा है जो बच्चे इस क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर सही कर लेंगे वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बन जाएंगे। तो आप में से इतना सही उत्तरों का आंसर नहीं कर पाएंगे, कम से कम ये तो हो जाना चाहिए था, सबका उत्तर सही हो जाता मालिक। देखो पेन भी लिखने का काम करता है, पेंसिल भी लिखने का काम करती है, मोमी रंग भी लिखने का काम करता, पुस्तक तो पढ़ा जाता है, बाकी सभी से क्या किया जाता है, लिखने का काम किया जाता है, बाकी उससे क्या किया जाता है, करा जाता है। देखिए क्लासिफिकेशन आपको कई बार कहा है हमने, देखिए वर्गीकरण, वर्गीकरण और उससे आपके टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन देखिए दोनों आपके तीन तीन टाइप पे होते हैं। जैसे यहां पर आप देखते हैं नंबर, यहां पर देखिएगा नंबर लेटर एंड वर्ड, नंबर लेटर एंड वर्ड दोनों तीन तीन पे होते हैं, हम तीन तीन करा रहे हैं आपको दोनों के, उत्तर बताइए डी ऑप्शन। ए भैया हाँ? जल्दी बताइए, निखिल यादव जी, सचिन सिंह जी बताइए, ध्यान से देखिए इसको, अगर आप ऐसे देखोगे, ऐसे देखो यहां पर एक, यहां पर देखो 1 26 और 6, 1 26 6, यहां पर देखिएगा 12 15 और 17, यहां पर 22, गौर से देखिएगा 5 22 और 11, यहां पर देखिएगा कितना हो जाएगा 26 1 और 3। अगर आप बच्चों ये मैं कहूं यहां पर क्या लॉजिक लग रहा है, कोई लॉजिक तो लग रही, कोई लॉजिक लग ही रहा होगा, कोई ना कोई लॉजिक तो लग ही रहा होगा। देखिए सब में वॉवेल है, ईच एंड एवरी नंबर में वॉवेल है, अब आप बताइए कौन सा लॉजिक लग रहा है, नंबर का योग, नंबर का सम, नंबर का वो, दुनिया भर का पंचौरा, क्या लग रहा है बताइए, उत्तर बताइए आप बच्चों एग्जैक्टली सही सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कोई बच्चा उत्तर बता सकता है, कोई लॉजिक नहीं लग, कोई लॉजिक नहीं लग है, कोई लॉजिक नहीं लग रहा, बिना किसी लॉजिक के एक क्वेश्चन है, कोई लॉजिक तो लग रहा होगा ना, यहां पर देखिए ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, और ये इसका अपोजिट है, और ये इसका अपोजिट। अब आप यहां पर जो हमारे समझ में आ रहा है, हम डी ऑप्शन को ही अलग कर देते हैं, क्योंकि देखिए पहले छोटा नंबर है फिर बड़ा अक्षर है, पहले छोटा है फिर बड़ा है, पहले छोटा है फिर बड़ा, इसलिए हम इसको अलग कर देते हैं डी ऑप्शन, और हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही। अगर किसी बच्चे को और समझ में आ रही हो तो बताने का प्रयास करें, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जहां से हम कुछ और बता सकें। आप में से किसी बच्चे को यदि दिख रहा हो तो बताने का प्रयास करिए ना, ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, वही तरीका, विपरीत कहां है रे, विपरीत बताया तो बाबा, डी ऑप्शन में बी कैसे हो जाएगा प्रभु, ए भैया मालिक बी ऑप्शन कैसे हो जाएगा, वही एकेठू था, वही एकेठ ही था साहब। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, जल्दी से देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, इस सवाल का उत्तर बताइए, यहां पर क्या लिखता है इसको देखिएगा, 41 को कितना लिखता है बच्चों, 22 लिखता है,
63 को कितना लिखता है? 93 लिखता है। 82 को कितना लिखता है? 84 लिखता है। सर ये बताइए, दिमाग ऐसा घूमा कि एक बार तो ये लगा कि अरे यार क्वेश्चन वहां अलट पलट दिया गया है क्या, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। गैप वैप का खेल देखिए, बहुत प्यारा सवाल है, ईमानदारी से बताएंगे तो आ जाएगा। कसम से बता रहे, ईमानदारी से बताएंगे तो आ जाएगा। देखिए जैसे आप 41 में से अगर 22 गलती से घटा दिए तो 19 आ जाएगा, अगर 93 में से अगर 63 गलती से घटा दिए तो 20 आ जाएगा। 63 20 93 63 30 93 ना, 6 3 9। अगर यहीं पर 84 में से 82 घटा दिए तो ये 2 आ जाए। हमको कुछ लग तो रहा है, कुछ तो जरूर गड़बड़ घटाना, घटाने पे तो आ ही नहीं रहा। 13 में से 4 गया 9, यहां पर कितना हो जाएगा 7 19। हमको कुछ लग रहा है यहां पे गड़बड़ी। अब आप बताइए, ये लॉजिक तो है नहीं माइनस वाला। जब माइनस नहीं लग रहा है बच्चों तो क्या लगा है बताइए। देखिए कुछ तो गड़बड़ जरूर, कुछ तो झाला माला है, कुछ तो झाला माला है। हम लोग जो समझ नहीं पा रहे, हम लोग जो समझ नहीं पा रहे, कुछ तो झाला माला है। अगर इसमें से इसको घटाए तो 19 आया है, यहां पर घटाए तो 2 आया है, यहां पर घटाए तो कितना है? तो भी 19 आया। लेकिन अगर इस नंबर की बात कर ले, यहां पर कितना है? -2 आया। यार हमें लग रहा है ना कुछ गड़बड़ है, कोई और तरीका लगेगा जो हम लोग समझ नहीं पा रहे, कोई और एक तरीका लगेगा जो हम लोग समझ नहीं पा रहे। एग्जैक्टली कुछ और है जो हम, या तो टाइपिंग एरर है बच्चों, एग्जैक्टली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं आपसे दावे से कह रहा हूं, या तो टाइपिंग एरर है बच्चों, या तो कुछ और है, या तो कुछ और है, इस बात को याद रखिए। मतलब मैं एग्जैक्टली कुछ कह नहीं पा रहा हूं यहां पर। आप देखिए यहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यहां पर अगर यहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर मैं क्वेश्चन को रीचेक करके कर लेता हूं, अगर मैं क्वेश्चन को रीचेक करता हूं तो ये पता चलता है ये 44 है। ये क्वेश्चन को जब मैं रीचेक करता हूं पता चलता है ये 44 है, ये तब पता चलता है ये 44, और 44 से ये माइनस होता है तो 38 आ जाता है, और यहां पर क्या आ जाएगा? -30 आ जाता है, और बाकी के सभी प्लस में आते हैं, ये माइनस में आता है। ये आपका इस तरीके से अलग हो जाता है। देखिए एक्चुअल में कोई और तरीका, उस तरीके का मेथड नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा परखुश कर दे। नहीं, ये क्वेश्चन गलत टाइप हुआ था, टाइपिंग एरर। छोड़िए बच्चे, टाइपिंग एरर है, उस बात को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलिए उसको छोड़ देते हैं, बिना समय ज्यादा गवाए दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन सही है, अच्छा क्वेश्चन सही है, बताना क्या आ जाएगा। रॉयल बॉय उत्तर बताना, तो 8 × 3 = 24, 6 × 4 = 24, 8 × 3 = 24, 6 × 4 = 24। अच्छा तो 24 यहां पर 8 3 6 3 करा, 3 6 3। अच्छा ये भी है क्या लॉजिक? ये भी कोई लॉजिक है क्या? आप एक लॉजिक ये बता रहे हैं। देखिए 8 × 3 = कितना हो जाएगा? 8 × 8 = 16, 8 × 3 = 24। आपने कहा 6 × 4 कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, आपकी बात डन। यहां पर देखिए 4 × 1 = 4, ठीक है। यहां पर देखिए 2 को 2 से गुणा कर दिए, 2 × 2 = 4, ठीक। और यहां पर देखिए, आपको मैंने बताया ना कि क्वेश्चन में एरर था, इस बात को आप एक्सेप्ट कर देते तो देखिए कितना आसानी से उत्तर आ जाता। इस बात को आप एक्सेप्ट कर लेते कितना आसानी से आंसर आ जाता है। 44 हो गया, मान लेते हैं 44 हो गया, तो देखिए यहां पर कितना हो जाएगा? 8 × 2 = कितना हो जाएगा? 8 × 2 = 16, 4 × 4 = कितना हो जाएगा? 4 × 4 = 16। तो भी तो यही आपका अलग आ जाएगा। यहां पर देखिए 6 × 3 = कितना हो जाएगा? 18 और 27, दोनों नॉट इक्वल टू हैं। तो यहां पर बच्चों ये 44 ही था, गलत टाइपिंग है, टाइपिंग गलत है, उत्तर आ गया, ठीक है ना। ये टाइपिंग गलत है, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर। अगले सवाल का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। नहीं नहीं नहीं, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, वो करेक्ट हो गया जो हमने आपको बताया, 44 पे ही आ जाएगा, उसमें दिमाग मत लगे। पवन राजपूत जी
नहीं बेटा बहुत दिमाग ना लगाओ, मैंने बताया वो टाइपिंग एरर थी, मैंने आपको करके भी दिखा दिया, ठीक है ना। अरे ठीक है, मैं उसको करके दिखा दिया, अब उसके लिए आप बहुत परेशान मत होइए जबरदस्ती। पवन राजपूत बेटा मैं जो बता रहा हूं यार, क्वेश्चन मेरे हाथ में है, क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन मैं टाइप कराया हूं ना बेटा, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन मैं टाइप कराया हूं, क्वेश्चन में वो 44 होगा तो झूठे आप दिमाग लगा रहे हो। जब मैं बता रहा हूं क्वेश्चन मेरा है ना, आपका क्वेश्चन नहीं है ना, मैं आपको बता दूंगा कहां आया हूं, जब बता रहा हूं तो उसमें क्यों दिमाग अपना लगाते हो, इतना दिमाग क्यों खर्च करते हो, जितना खर्च करना चाहिए उतना करिए। चलिए यहां पर एक दो, यहां पर आगे देखिएगा, यहां पर क्या हो जा रहा है, एक दो, यहां पर एक चार, एक दो एक चार, जब आपको एक दो और चार को कंपेयर करेंगे दे हो जाएगा सी ए डी ए, यहां पर देखिए सी ए डबल डी सी ए डबल डी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर एक पे आपका आ जाएगा एक आ जाएगा, नंबर एक पे क्या आ जाएगा आपका एक आ जाएगा, इसके बाद दो दोनों में कॉमन है, फिर आपको सीधा पांच और चार में कंपेयर करना है, जब आप पांच और चार में कंपेयर करते हैं पता चलता है कि पांच से पहले क्या आ जाएगा आपका चार आ जाएगा, ठीक है ना। क्यों परेशान कर रहे हो पवन राजपूत जी, क्यों परेशान कर रहे हो यार, भाई तुम बहुत टैलेंटेड बच्चे हो, भाई आप बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, ईश्वर आपको कामयाब करे, हमसे जिद मत किया करो प्लीज। मेरे मेथड से भी एक बार लगा दिए भाई, इतने तुम जानकार हो, मैं क्या करूं आपका, कौन सा मेथड है बताओ भैया, तुम अपना मेथड बताओ, मेरे मेथड से भी एक बार लगा लीजिए, अरे मेथड तो बताओ, कॉपी पेस्ट करना बंद करो, बाकी बच्चों को तो पढ़ने दिया करो ना यार, भाई अपना मेथड अपने पास रखो ना, कम से कम एग्जाम में आएगा तो तुम अकेले सेलेक्ट हो जाना, बाकी को छोड़ देना, बाकी नहीं होंगे, बाकी तुम अकेले सिर्फ सेलेक्ट हो जाना अपने मेथड से। एक छह ग्यारह, यहां पर बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों देखो, ये आपका लेटर सीरीज है, कैपिटल लेटर सीरीज इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कैपिटल लेटर सीरीज, क्या बोलते हैं कैपिटल लेटर सीरीज, यहां पर देखिएगा एक छह ग्यारह, यहां पर कितना हो जाएगा, एक में पांच जोड़ देंगे, यहां भी आपका पांच जोड़ देंगे और यहां भी पांच जोड़ देंगे, यहां पर 16 का मतलब कितना हो जाएगा P, यहां पर कितना हो जाएगा 3 8 13, 3 में कितना जोड़ देंगे 5 और यहां पर कितना हो जाएगा 5 और आगे भी कितना हो जाएगा 5, 15 5 कितना हो जाएगा 13, 5 कितना हो जाएगा 18, 18 का मतलब कितना हो जाएगा, 18 का मतलब R हो जाएगा, यहां पर देखिए 5 5 10 5 दे 15 5 6 20, तो पी आर टी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पी आर टी आपका बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, पी आर टी आपका बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, पी आर टी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गौर से देखिए और बताइए क्या हो जाएगा बच्चों। उत्तर बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर तेजी के साथ, सभी बच्चे एक बार तेजी से बताएं क्या हो जाएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सीरीज फाइंड द मिसिंग नंबर, आपको यह बताना है कौन सा हो जाएगा, बताइए उत्तर बताइए। देखो यहां पर क्या हो रहा है, 9 से 18 हो रहा है, कितना हो रहा है 9 से 18, 18 से 72, 72 से 576, 9 से 18, 18 से 72, आप ऐसे सोच सकते हो ना कि 9 को अगर 2 से गुणा कर दें तो 9 दुनिया 18 हो जाएगा, और 18 36 18 त्रिक 54 18 चौके 72 हो जाएगा चार बार गुणा करने से, और 72 को आप किससे गुणा कर दें, 72 को किससे गुणा कर दें, 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56, अगर हम इसको 8 से गुणा कर दें तो 8 दुनी 16 हो जाएगा और 8 7 56 1 57 हो जाएगा, मतलब पहले हमने 2 से गुणा किया फिर 4 से गुणा किया, यहां पर हमने किससे गुणा किया, 9 से 18 बनाने में बच्चों हमने 2 से गुणा किया, 18 से 72 बनाने में हमने 4 से गुणा किया, 72 से 576 बनाने में हमने 8 से गुणा किया, और 8 से यहां पर कितना देखिए, ये यहां पर कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, अब आगे 16 से गुणा करेंगे, जब 16 से गुणा करेंगे 16 5 80,
सोलह पंचे अस्सी, सोलह छक्का 102, सोलह सत्ते एक सौ अट्ठाईस, सोलह पंचे अस्सी दो बयासी। यहां पर हमको जो लगता है ये बयासी सोलह आपका उत्तर आना चाहिए, बानबे सोलह, सोलह पंचे अस्सी तो होता है अस्सी दो बयासी, बयासी सोलह हमको मेरे कैलकुलेशन से, ओरल कैलकुलेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूं भाई, मैं एग्जैक्टली मैं आपको ओरल कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब ये मैं ओरल कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूं, हो सकता है ये बयासी सोलह, और इसीलिए हो सकता है ये दिया भी गया हो कि मेरे जैसे लोग ओरल कैलकुलेशन करें और उनका गलत हो जाए, यहां पर सवाल ये है ना, इसीलिए हो सकता है ये दिया भी गया हो कि मेरे जैसे ओरल गुणक गुणक करें और गलत भी पा जाए। देखिए 16 पंचे 80, 16 छक्का 100, 16 छक्का 106, 16 छक्का 96, 96 का 6 हासिल आया 9, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 के बाद कितना हो जाएगा 112 9 कितना हो जाएगा 121 का 1 हासिल आया 2, 16 पंचे 80 दो बयासी, यार ये तो यही आ गया, बयासी सौ छियानबे आ गया कि बानबे सौ सोलह, गलत गुणा कर रहे हैं क्या, शेष होश गलत लिए गया 16 पंचे 80, अरे यार ऐसे ही एग्जाम में भी गलतियां होती हैं। यहां पर ये 12 शेष बचा है भैया, ये 12 शेष बचेगा, यहां पर कितना शेष बचेगा 12, जब शेष बचेगा यहां पर आपको 16 पंचे 80 और 80 में आपको 12 शेष जोड़ना है, जब 12 शेष जोड़ेंगे 92 16 हो जाएगा, अरे तीन अंक में संख्या चली गई थी सर, 92 हो जाएगा, हाँ ये गलती हो जाएगी, बताए ना कि ऐसे गलतियां हो सकती हैं, ये बहुत जेन्युइन गलती है, मतलब ऐसा, मतलब ये आप जानबूझ ऐसी गलती थोड़ी ना आप कर रहे हो और आप किसी से कहोगे कि अरे यार ये गलत हो गया, मतलब आप खुद अपने आप को वेरीफाई नहीं कर पाओगे, कभी भाई ये कैसे गलत मैंने कर दिया, फिर आप पछताओगे कि अबे यार शेष लेने में गलती हो गई, गुणा भी किए थे, एग्जैक्टली आप यही कहोगे गुणा भी किए थे यार शेष लेने में गलती हो गई, ये होता है बहुत बार होता है चीजें, सबसे बड़ी चीज यही है। अगले सवाल की बात करते हैं, पूनम सुनिए, पूनम अक्षय से कहती है कि कल उसने अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री स्नेहा को विद्यालय स्तर पर ताड़कोडो प्रतियोगिता में, ताइकांडो होता है यहां पे, ताड़कोडो लिखा हुआ है, प्रतियोगिता में हराया, अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है, अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है, यहां पर कहता है पूनम अक्षय से कहती है कल उसने अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री अक्षय, यहां पर देखिए कल उसने अक्षय, ये हो गया अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री स्नेहा को विद्यालय स्तर प्रतियोगिता में हराया, यहां पर कहता अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है, अक्षय स्नेहा का क्या हो जाएगा मामा हो जाएगा, अक्षय स्नेहा का क्या हो जाएगा मामा हो जाएगा, ये तो वही वाली प्रतियोगिता हो गई, खरगोश और चूहे, वो क्या बोलते हैं कछुए वाली, यहां पर एक्चुअल में खरगोश जीत गया, मामा और भांजे में कोई प्रतियोगिता होगी तो बहुत सारे चांसेस हैं कि मामा ही जीते, भांजा भी लाजवश कहेगा करे यार मामा को ही जीत जाने दो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, कहता है लड़कों की एक पंक्ति में तारक पंक्ति के दोनों, अरे यार बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ उत्तर, बताइए जल्दी से आप सभी लोग, हाँ, अरे एक आसान क्वेश्चन होता है, एक कतई आसान क्वेश्चन होता है, निहायत रूप से आसान क्वेश्चन होता है, सही बता रहा हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए यहां पर दोनों साइड से किस नंबर पे है, ये 18वें नंबर पे है,
दोनों साइड से 18वें नंबर पे है। तो यहां पर देखिए 18 प्लस 18 माइनस 1 तो 36 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 35। 36 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 35। नीचे दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जिसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा शब्द है जिसको आप नहीं बना सकते हो? गौर से देखो और बच्चों बताओ। देखो सबसे पहली बात है यहां पर एब्सोल्यूट लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट से आप कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं? यहां पर देखिए एब्सोल्यूट से कौन सा अक्षर आप नहीं बना सकते हैं? कौन सा अक्षर आप नहीं बना सकते? क्या एब्सोल्यूट में कहीं भी वी का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है? यहां पर देखिए वी का प्रोनाउंसिएशन आपको होता दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसको आप विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउंसिएशन के भी बिहाव पर आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, देखिए यहां पर क्या लिखता है, एक बात हम आपको बता दे रहे हैं। पहले आप क्वेश्चन करिए 10 सेकंड में, कोशिश करिए कि आपसे हो जाए, फिर हम आपको बता देते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में हमेशा कोडिंग को डिकोडिंग के नीचे लिखिए। ऑप्टिमिस्ट को क्या लिखता है? फिर आपसे कहता है उत्तर बताइए, ठीक है? जिन बच्चों को लेटर की पोजीशन याद होती है वो तो बहुत अच्छा है, जिनको नहीं याद होती है वो जहां पर अपना सोने का अड्डा है वहां पर लिख करके इसको चिपका दीजिए और वहीं पर आप स्क्वायर क्यूब और इन सब चीजों को लिख के लगा लीजिए, तो ये सब बेसिक बातें हैं आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना? ये सब बेसिक चीजें हैं आपको याद हो जाएंगी। यहां पर कितना हो जाएगा 12 है, यहां पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12, ये 11, ये 18, ये 14, ये 18, ये 7, ये 8 और ये 7। देखिए यहां पर कितना हो रहा है, यहां पर प्लस 3 हो रहा है, यहां पर कितना हो रहा है एग्जैक्टली माइनस 5 हो। फिर यहां पर क्या हो रहा है आपका, ये ऐसे नहीं चल पाएगा, एग्जैक्टली ऐसे नहीं चल पाएगा, क्योंकि देखिए यहां पर आगे क्या हो रहा है, यहां पर माइनस 3 है और यहां पर कितना हो रहा है माइनस 2। फिर आप यहां पर क्या देखते हो, यहां पर कितना दिख रहे हो, यहां पर आपको कितना दिख रहा है 9 से 15 हो रहा है, यहां पर कितना हो रहा है प्लस 5। फिर आपको कितना दिख रहा है 13 से 18 प्लस 5, यहां पर माइनस 2 हो क्या रहा है? ये एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं चलेगा, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं चलेगा। कोई और लॉजिक है, कोई और तरीका है, क्या अपोजिट है? लव कमला पसंद टीआर, कुछ अपोजिट या अदर थिंग बताइए बच्चों, जल्दी से बताने का प्रयास करिए। कोई और तरीका है? कुछ किसी बच्चे का कुछ है? नहीं, कुछ तो समझ में आ रहा होगा, कुछ बताइए ना। कहां गए पवन जी, ऐसे बच्चे कहां गए जो उसमें बाद में बताते हैं? यहां पर अपोजिट लेटर दिख रहा है कहीं पे, लव दिख रहा है, ये अपोजिट था, सब तो अपोजिट दिख नहीं रहे, सब तो अपोजिट दिख नहीं रहे। अपोजिट है ये केपी, अपोजिट है इंडियन रेलवे, अपोजिट है नरेंद्र मोदी, अपोजिट है हाई स्कूल, अपोजिट है जीटी रोड, अपोजिट है। ये ऐसा कुछ बन रहा है क्या? आईआर हो गया और जीटी रोड। वाओ 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 वाओ, क्या क्वेश्चन है, कितना प्यारा सवाल है ना, कितना प्यारा सवाल है ना, जबरदस्त ना। दिस वन एंड दिस वन इज अपोजिट एंड अपोजिट, यहां पर क्या हो जाएगा केपी हो जाएगा, यहां पर लव हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा हाई स्कूल हो जाएगा और यहां पर जीटी रोड हो जाएगा। यहां पर देखिएगा ये आपका डायरेक्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, जैसे ही आप पकड़ोगे बंधु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन अपोजिट नंबर, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन अपोजिट नंबर। पूरा का पूरा किस नंबर पे आधारित है बच्चों? विपरीत पर आधारित सवाल है। किस पे आधारित है? विपरीत पर आधारित है। क्या जबरदस्त सवाल था ना, बताओ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता निम्नलिखित प्रश्न में से किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाए, हमेशा याद रखिएगा। चलिए
चलिए बहुत बढ़िया शाबाश। वॉइस टाइपिंग आपकी बहुत अच्छी है पवन राजपूत जी, क्या वॉइस टाइपिंग करते हो, वाह लव यू ब्रो। अब चलिए बताइए, छोड़िए एक बार बस बोला करो, एकाध बार जवाब दिया करो ना पवन भाई, इतनी बार जब आप बार बार कमेंट करते हो बाकी बच्चे भी एडिटेट होते हैं ना, एकाध बार जवाब दो सबकी तरह, जैसे नॉर्मल बच्चे जवाब देते हैं आप भी वैसे जवाब दो अच्छा लगेगा। किनको आपस में चेंज किया जाए, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 आप बताइए क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर 51 लाना है, तो अगर मैं ये सोचूं कि 15 कैसे आएगा, कूड़ा 50 हो जाएगा, 50 हो गया कूड़ा, गुणे में 50 हो गए, डिवाइड कर दिए हमने 3 से, कितना आ गया 3। चलिए एक तरीका मुझे समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि अगर इसको प्लस कर दिया जाए और इसको माइनस कर, यहां इसको माइनस कर दिया जाए तो काम बन जाएगा। मतलब मैंने क्या कहा, माइनस को प्लस कर दीजिए, प्लस को माइनस, मतलब 4 + 4 + 50 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो 54 में से माइनस 3 जाएगा आपका कितना आ जाएगा 51। सिर्फ देखने से ही आपकी चीजें बहुत बढ़िया हो जाती, मतलब एग्जैक्टली आप क्वेश्चन को घूरते रहिए आपका सही उत्तर मिल जाएगा। यहां पर जैसे लिखता है 12, 20 और 16 आगे क्या कहता है, 21, 35 और 28 आगे क्या कहता है, गौर से देखिएगा, 40, 48, 80 और 1 में ए का मान क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए, बताइए उत्तर बताइए क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट आंसर शानदार तरीके से बताइए। देखिए आप ये सोचेंगे, क्या सोचेंगे सर 12 16 से 20 कैसे बनेगा, वो तो आप बताइए ना, सारी बातें मैं थोड़ी ना बता पाऊंगा, 12 16 से 20 कैसे बनेगा, उत्तर बताइए बढ़िया है, उत्तर बताइए बहुत प्यारा लॉजिक है, बहुत बढ़िया है, बताइए। देखिए इधर देखिए, अगर मैं ऐसे कहूं कि सर 16 में से अगर 12 घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 4, और 4 को अगर 5 से गुणा कर दिया जाए 4 × 5 = कितना हो जाएगा 20 कहिए, और 28 में से अगर 21 घटा दिया जाए तो 7, और 7 को अगर हम 5 से गुणा कर दें 35, और 48 को ए से घटा दिया जाए तो जो भी आएगा, यहां पर 48 को ए से घटा दिया जाए और इसको 5 से गुणा कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, तो अगर मैं इसको काट दूं तो कितना हो जाएगा 16 × 5 = 80, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 48 − 16 बराबर कितना हो जाता है आपका 32, 48 − 16 बराबर कितना आ जाता है आपका 5 से ही तो गुणा किया गया था, 16 × 5 = 80, माइनस इधर था तो उधर गया और वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस ही होगा ना, वो तो माइनस ही होना था ना, अच्छा मैं उल्टा घटा दिया सॉरी, यहां पर क्या होना था a माइनस 48 करना था, बच्चों देखिए उल्टा घटा रहा हूं मैं, आपको एक्चुअल में क्या करना है, एक्चुअल में हमको क्या करना है a माइनस 48 घटाना था, सुनिए यहां पर हम ऐसे घटाएंगे a माइनस 48 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा ये a माइनस 48 बराबर कितना आ जाएगा 16, तो a बराबर कितना हो जाएगा 16 + 48, जब आप इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 8 × 6 = 14, यहां पर कितना हो जाएगा 64, 64 बच्चे आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा, 64 बच्चे आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहां पर आप घटाइए, उल्टा घटाए नहीं, उल्टा घटा रहे हैं, ठीक है ना, उल्टा घटा रहे हैं, चलिए उल्टा घटा रहे हैं, ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है, चलिए कुल मिलाकर के आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं,
जैसे एक ही क्वेश्चन के करने के कितने तरीके होते हैं इस बात को समझिए। जैसे यहां पर देखिए 12 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका, यहां पर कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 16, 21 प्लस 35। लेकिन इस क्वेश्चन की खूबसूरती मर जाएगी, फिर इस क्वेश्चन की खूबसूरती कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 56 को 2 से डिवाइड किए, 28 दूना 56, यहां पर कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ दिए 8, और यहां पर कितना हो जाएगा 8 4 12 128, इसको डिवाइड करेंगे तो 64 आ जाएगा। एक चीज जानते हैं, इसका जो उत्तर दोबारा दूसरा वाला था वो भी हो जाता। बताइए, छोड़िए इस सवाल को, उत्तर बताइए। कई तरीके हैं कर सकने क्वेश्चन करने के, क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा, उत्तर बताइए क्या हो जाएगा, उत्तर बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बहुत तेजी के साथ आंसर बताइए, देखते हैं कौन सबसे पहले उत्तर बता देगा। क्यों इतना कम, बताइए क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसमें, बताइए। देखिए 4, बहुत बढ़िया। देखिए यहां पर क्या किया जा रहा है, जैसे आप देखिए यहां पर 2 गुणे, यहां पर क्या हो रहा है 2 गुणे 6 गुणे 8 कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, और 16 पंचे 80 16 छक्का कितना हो जाएगा 96। यहां पर देखिए 2 दूनी 4 और 15 चौके कितना हो जाएगा 60, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 15 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। यहां पर देखिए x गुणे 5 गुणे 6 बराबर कितना हो रहा है 120, तो यहां पर देखिए यहां पर 120 डिवाइडेड बाई 30 कर देंगे कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। यहां पर कहता है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर, बताइए त्रिभुजों की संख्या बताइए क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर, कितने त्रिभुज आपको दिख रहे हैं बताइए, कितने त्रिभुज बच्चों आपको दिख रहे हैं, देखिए और बताने का प्रयास करिए। कितने त्रिभुज आपको दिख रहे हैं बताने का प्रयास करिएगा, बताइए। गोलू राजपूत जी स्वागत है भैया, गोलू जी बताइए कितने त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, उत्तर बताने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग। 44, देखिए अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर कितना दिखता है, यहां पर 8 8 16 8 3 24 8 4 32, यहां पर देखिए इस पर्टिकुलर में कितना हो जाएगा 8 8 16 8 3 24 8 4 32, यहां पर +2 +2 +2, यहां पर 32 2, यहां पर 2 2 4 2 6, 32 2 34 34 2 36 36 2 38, यहां पर कितना हो गया 38 तो अंदर ही हो गए। इसके बाद देखिए यहां पर 3 आपको मिलेगा, 3 यहां पर मिलेगा, 38 6 कितना हो जाएगा 44 हो गए। अब इसके बाद कहीं पे दिख रहा हो किसी को तो बताए, 44 के बाद अगर किसी को दिख रहा हो तो बताए, बताइए। क्वेश्चन देखिए, सवाल आपके सामने है, उत्तर आपको बताना है। कथन यहां पर कहता है, कथन ये कथन यहां पर लिखा है सभी गुफाएं सर्पिलाकार है, जितनी भी गुफाएं हैं सभी के सभी क्या हैं सर्पिलाकार है। मतलब गुफा किस तरह की है सर्पिलाकार, निष्कर्ष देखिए कुछ सर्पिलाकार कार्ड हैं, कार्ड कहां से आया कोई जानकारी नहीं, कार्ड कहां से आया कोई जानकारी नहीं। कहता है कुछ सर्पिलाकार कार्ड नहीं है कोई जानकारी नहीं। दूसरे की बात करते हैं, यहां पर कहता है कुछ गुफाएं कार्ड नहीं है, इसके बारे में जानकारी, ये कार्ड आया कहां से, एग्जैक्टली कार्ड आया कहां से, कार्ड तो था ही नहीं प्रश्न में, कार्ड तो था ही नहीं, कार्ड तो था ही नहीं। या तो हो सकता है एकांत निष्कर्ष छूट गया हो, या तो हो सकता है एकांत निष्कर्ष छूट गया हो। यहां पर देखिए इसके आधार पर हम क्या कहेंगे, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं। इस सेम प्रश्न के आधार पर हम कह देंगे कोई भी निष्कर्ष बच्चों सही नहीं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए एक बार तेजी के साथ बच्चों, नोटा, हां नोटा कर लेंगे, नोटा पे चले जाएंगे।
मत किया करो कमेंट प्लीज, इतना किसी का नाम लेकर के कमेंट नहीं करते हैं ना गोलू राजपूत, किसी का बेटा नाम लेकर के कमेंट नहीं करते हैं ना। सर जैसे आपके लिए आपके घर वाले होते हैं वैसे दूसरों के लिए भी तो होते हैं। आप ऐसे पब्लिक क्लास में किसी को कमेंट नहीं किया करें, किसी व्यक्तिगत का नाम लेकर के कमेंट मत करिए ना। उस इंसान को कितना इनसिक्योर फील होता होगा ये सोचिए। आप लोग आपस में बातें मत करिए पूजा प्लीज, ठीक है ना, आपस में बातें मत करिए पूजा, किसी को कुछ मत बोलिए। चलिए नीचे एक घन की तीन अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा? बी के विपरीत फलक, आप एक बात जानते हैं कि टू अपोजिट सरफेस कैन नॉट बी सीन टूगेदर, दो विपरीत सतह को एक साथ देखा नहीं जा सकता। ठीक है ओके कोई बात नहीं, दो विपरीत सतह को एक साथ देखा नहीं जा सकता। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर आप ऐसे समझिए, ये इसका निकटवर्ती है ये इसके निकटवर्ती है, तो ना डी कभी अपोजिट हो सकता है ना ये अपोजिट हो सकता है, ना ई कभी अपोजिट हो, ना एफ अपोजिट हो सकता है ना ई, तो बचता केवल आपका जी है। केवल कौन सा अक्षर बचता है आपका बच्चों? जी बचता है, शाबाश। अगला सवाल का उत्तर बताइए। यहां पर कहता है व्यवसायी और उसके बाद कहता है प्रमाणिक सरकारी लेखा अधिकारी महिला। सवाल यहां पर देखिएगा कितना ज्यादा लिखा है, यहां पर व्यवसायी लिखा हुआ है, किसकी बात करता है? देखिए व्यवसायिक की बात करता है, प्रमाणिक सरकारी लेखा अधिकारी और महिला। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, उत्तर बताने का प्रयास करिए बच्चे, क्या हो जाएगा? व्यवसायिक, प्रमाणिक सरकारी लेखा अधिकारी और महिला, उत्तर बताइए जल्दी से बताइए। देखिए व्यवसायी, जितने यहां पर देखिए प्रमाणिक सरकारी लेखा अधिकारी होंगे ये सब व्यवसायी के अंतर्गत आ जाएंगे, और दोनों में से कुछ ना कुछ महिलाएं हो सकती हैं, दोनों में से कुछ ना कुछ महिलाएं हो सकती हैं। देखिए जितने प्रमाणिक सरकारी लेखा अधिकारी होंगे सबके सब किसमें आ जाएंगे? ये सभी के सभी किसमें आ जाएंगे? व्यवसायी में आ जाएंगे आयोग के अकॉर्डिंग। यहां पर देखिए, यहां पर सीआरपीएफ में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सीआरपीएफ एस आई ओ, आरपीएफ एस आई होता है ना, सीआरपीएफ होता है नहीं, सीआरपीएफ होता है क्या होता है, सीपीओ एस आई, सॉरी सीपीओ एस आई, सीपीओ एस आई में ये क्वेश्चन आया था, वहां पर ये क्वेश्चन आपका इस ऑप्शन को प्रेफरेंस दिया गया था। बी वाले को वरीयता दी गई थी बच्चों, बी वाले को वरीयता दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा इस उत्तर को, बताइए क्या हो जाएगा। बताइए बच्चों क्या हो जाएगा, कहता है कि इसको कौन जोड़ सकता है, कौन सी आकृति है जो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगी? बताइए बताइए मेरे बच्चे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ध्यान से देखिए। यहां पर आप ऐसे इसको देखिए, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ए इज अ करेक्ट आंसर, ए आपका बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। लिखता है फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द आंसर फिगर विच कम इन अ क्वेश्चन मार्क इज एम्बेडेड। यहां पर कहता है क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड, कहां पर छिपा हुआ है? ये तो ढूंढने में हमारी हालत खराब हो जाएगी, हमारी आप दोनों लोगों की हालत खराब हो जाएगी। चलिए मान लेते हैं ये डिजाइन बी में छिपी होगी। अगले सवाल की बात करते हैं, बताइए यहां पर इस सवाल को देखिए और बताने बताए। नॉन वर्बल के भी कुछ क्वेश्चन हैं, इसके बाद हम कल वाला जो अपना सेट था उसको हम ओपन करते हैं, वो ऑलरेडी ओपन है बस उसको कराना है। यहां पर गौर करने वाली जो बात है, यहां पर देखिए ये ऐसे इस पे आएगा और ये ऐसे आ जाएगा, यहां पर एग्जैक्टली ये डिजाइन कुछ ऐसे बनेगी, त्रिभुज का खेल है, पहले त्रिभुज ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये डिजाइन का क्या ख्याल है? बी के बारे में क्या कहना है आपका, बी के बारे में बच्चों आपका क्या कहना है? बी 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 डी नहीं, बी के बारे में क्या कहना है, बी के बारे में आपका क्या कहना है हुजूर? चलिए ये क्वेश्चन नहीं सही है, क्वेश्चन नंबर 24। अब चलिए हम आगे चलते हैं,
कल कितने क्वेश्चन कल वाले क्वेश्चनों के सेट पे पहुंचते हैं, ठीक है ना, बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ बच्चों हम कल के अपने सेट पे पहुंचते हैं, कल के हम अपने सेट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, कल के हम अपने सेट पे पहुंच जाते हैं। चलिए इस सवाल का उत्तर करिए, इस सवाल का उत्तर करिए, देखिए और उत्तर बताने का प्रयास करिए। आपके पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए। मैं कई बार कह चुका हूं बच्चों, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, यहां से बच्चों आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। इस सवाल का उत्तर करिए फटाफट, तेजी के साथ इस सवाल का उत्तर करिए, आंसर करिए बंधु, आंसर करिए इस सवाल का, जल्दी जल्दी बताइए। हो गया, चलिए आंसर हो गया। देखिए इधर देखिए बच्चों, यहां पर कहता है कौन सा कथन सही है, कुछ नर्तक शिक्षक भी हैं, कितना खूबसूरती देखिए, कुछ नर्तक शिक्षक भी हैं, कुछ नर्तक, इतने नर्तक क्या हैं आपके, शिक्षक कौन है, इतने नर्तक आपके शिक्षक में हैं। कहता है कुछ विवाहित शिक्षक, तो कुछ विवाहित शिक्षक नर्तक है, कुछ विवाहित शिक्षक क्या है आपके, नर्तक है, विवाहित शिक्षक नर्तक। यार इसमें तो सब सही है, कौन सा कथन सही है, कुछ नर्तक शिक्षक हैं, इतने नर्तक क्या हैं आप, इतने नर्तक क्या हैं आपके शिक्षक हैं, कुछ विवाहित शिक्षक नर्तक हैं, कुछ विवाहित शिक्षक नर्तक हैं, ये भी सही है, कुछ विवाहित नर्तक कलाकार हैं, नहीं यही सही नहीं है, ये आपका सही नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, कौन सा सही है। अब यार यहां तो दो बातें सही हो रही हैं, ये गलत है और ये गलत है, ये दो चीजें तो गलत है, सी विल रॉन्ग है, सी ए और बी आपका सही हो रहा है। यहां पर देखिए ये आपका ये सही हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये दोनों बातें आपकी सही हो रही हैं। अब हो सकता है इसमें ऑप्शन कुछ और दिया हो टिक करने के लिए, ऑप्शन कुछ और दिया हो टिक कर, नहीं दिया गया, उतना ही होगा भैया, दोनों बातें सही है उसमें, दोनों बातें बी ए भी सही है, बी भी सही है। देखिए यहां पर कोई बहस का मुद्दा नहीं है, ठीक है ना, यहां पर कोई बहस का मुद्दा नहीं है, ए भी सही है, बी भी सही है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, अगला सवाल बताइए भाई, कोई बहस का मुद्दा थोड़ी ना चल रहा है, नहीं इसमें वही सही होगा वही गलत होगा, बताइए अगले सवाल की बात करते हैं, उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। उत्तर बताइए बच्चों, बताइए किससे दर्शाया गया, दो से, शाबाश बच्चों, याद रखिएगा यहां से आपको कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर कहता है क्या कहता है, वे नर्तक विवाहित शिक्षक जो शिक्षकों को दर्शाया गया, इसको उत्तर जल्दी से बताइए, समय भी बहुत तेजी से बीत रहा है, समय भी देख रहे हैं कितना तेजी से हो रहा है, रोजा खोलने का समय हो गया, मेरे रोजा खोलने का समय हो गया, बता दीजिए जल्दी से, बताइए बच्चों। यहां पर देखिए क्या कहता है, जो नर्तक शिक्षक को दर्शाया गया, बताइए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, यहां पर इसका करेक्ट आंसर भी, इसका उत्तर बताइए ना, छे, यहां पर क्या कहता है, छे, जो नर्तक विवाहित शिक्षक है, देखिए पहला वो सही हो गया, उनकी संख्या कितनी है छे बच्चों, बताइए एक मिनट जल्दी से बताइए, मैं रोजा खोल लूं,
चलिए बताइए, बहुत बढ़िया, बताने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा। उत्तर बताइए। अरे मैं रोजा खोला, खजूर खा रहा था भाई, अरे खजूर खा रहा था। चलिए यहां पर गौर से देखिएगा, यहां पर कितना है, चार पांच सात से कितना 266 बन रहा है, चार पांच सात से कितना बन रहा है 266 बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, चार पांच सात से 266 कैसे कोई बना सकता है, 343 से नहीं बनेगा स्क्वायर, 343 से नहीं बनेगा, कोई और तरीका क्या समझ में आता है क्या, 9981729 नहीं, 512 और 36 नहीं, इससे अगर ये बन जाए कोई तरीका है, इतनी देर से आपको दिया हुआ कोई कहेगा, उत्तर बता, उत्तर बताए, चलिए बताइए, कोई बताएगा, देखिए मैं आपसे बता रहा हूं, सुनिए, यहां पर अगर मैं चार को भाग देता हूं दो से कितना जाता है दो, और पांच में प्लस एक कर देता हूं कितना जाता है छह, सात में माइनस वन कर देता हूं कितना जाता है छह, यही काम सब में कर देते हैं, सब में काम यही कर देते हैं, तीन प्लस वन कर दिया नौ आ गया, माइनस वन कर दिया आठ आ गया, भागे दो कर दिए चार आ गया, प्लस वन कर दिए चार आ गया, माइनस कर लिए 445 आपका बच्चा बिल्कुल करेक्ट, 445 बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन आपके बाकी हैं, इनको भी हम कल कराएंगे, और सभी बच्चों से वो है कि आप सभी सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सभी बच्चे सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपको बता दें जो बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, जो हमारा 5 अप्रैल से जो हमारा परिवर्तन का स्टार्ट हुआ है क्लास, उसमें मात्र पुराने बच्चे ₹599 में, और यहां पर देखिएगा नए बच्चे ₹899 में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जहां पर ये चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। बाकी सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, समय से रहा करिए, टाइम से रहा करिए, जरूर आया करिए समय से, तभी उससे आप लाभान्वित हो पाएंगे। देखिए इस क्लास से लाभान्वित आप कब हो पाएंगे, जब आप समय से रहेंगे। दोस्तों मैं रोज आपसे कहता हूं कि टाइम से आइए, एक स्लॉट बना लीजिए, कल बहुत फिर से एक प्यारा सा सवाल का पेपर लेके आऊंगा, बहुत शानदार प्रश्नों की एक श्रृंखला फिर से कल आपके सामने लेके आऊंगा। कोशिश करिएगा कि समय से 6 बजे जरूर आ जाइए, नहीं होता है तो मोबाइल में अलार्म लगा वो रिमाइंडर सेट कर लीजिए, और आप सभी को 6 बजे क्लास मिल जाएगी। देखिए 10 मिनट लेट जो आते हैं ना, उससे आपका ही नुकसान होता है, समय से आइए, और अगर हमारे पेड बैचेस में आप हैं तो अलग चीज है, नहीं तो एग्जाम पूर्व ऑफिशियल एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए बहुत खास है। तो बाकी मिलेंगे कल बच्चों, सेशन को लाइक जरूर करिएगा, बाकी ईश्वर आप सभी को, कोई समस्या कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइएगा, बाकी मिलेंगे कल, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।